ओके तो पेज नंबर 127 खोलो। पेज नंबर 127 पर क्वेश्चन नंबर 80 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 80 पेज 127 ठीक है। आपको एक मिनट देता हूं, आप लोग पढ़ो उसको समझो और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं यहां पर। चलो क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ इट डस 2000 joules of work on its environment, how much heat is added to it? ठीक है, तो सबसे पहले बताओ ये प्रोसेस कौन सी है। क्वेश्चन में प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। जैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो, राइट। चेंज इन टेम्परेचर जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो। अब इंटरनल एनर्जी जीरो मतलब फर्स्ट लॉ लगा के देखो, फर्स्ट लॉ कैसे लगाएंगे। DQ = DU + DW। हमने फर्स्ट लॉ लगाया, राइट। फर्स्ट लॉ लगाएंगे इंटरनल एनर्जी जीरो, दैट्स व्हाई जितना भी हम लोग हीट देंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब DQ = DW। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो हमारे पास जो डेटा था उससे हमने सारा हमारा जो भी कॉन्सेप्ट को बताते हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ इट डज 2000 जूल्स ऑफ वर्क। उन्होंने क्या दिया है, वर्क जो है 2000 जूल्स है, ठीक है ना, वर्क कर रहा है वो ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। हाउ मच हीट इज एडेड, हीट कितना, देखो यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन के हिसाब से जितना वर्क उतना हीट, देयरफॉर हीट विल बी 2000 जूल्स। आंसर इज 2000 जूल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। 2000 जूल्स। चलो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81 ठीक है, क्या लिखा है, 0.5 मोल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, राइट। तो तीन बातें पूछे, क्या पूछे, वर्क निकालो, हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस वो निकालो, कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव साइन का वर्क आने वाला उसका सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। तीन बातें बताएंगे हम लोग, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े बराबर बताओ ये प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस कौन सी है, लिख लो पहले। हाँ लिख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, ठीक है। फिर आइसोथर्मल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, डेल्टा टी जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, चेंज इन हीट चेंज इन वर्क होता है, राइट। और वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, W = nRT ln log of final volume divided by initial volume, right? अच्छा क्या क्या पूछा है देखो, वर्क, what is the work done by the gas, मतलब W निकालना है, W निकालना है। अब W find करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए था, number of moles, R constant होता है, right? टेम्परेचर चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम चाहिए। क्या इन्होंने हमको दिया है, क्या इन्होंने हमको दिया है वो चीज, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, नंबर ऑफ मोल दिया है 0.5, राइट। आर कितना होता है 8.314, राइट। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर
इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क क्या हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 300 इंटू 8.314 इंटू ln, ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई, लिख लेता हूँ लॉग बेस ई 2/6, मतलब लॉग बेस ई 3, राइट, 6/2 3 होता है। चलो इसको सॉल्व करो, 0.5 का मतलब 1/2 हाफ, ठीक है, 0.5 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 150, राइट, ये हो गया 8.314 इंटू, बताओ लॉग बेस ई 3 की वैल्यू कितनी होती है, क्या आप फाइंड कर सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या आपके पास लॉग टेबल है लॉग बेस ई का? अच्छा मुझे ये बताओ, आपके पास जो लॉग टेबल है वो लॉग बेस क्या है, किस चीज का है वो, लॉग बेस ई का है कि लॉग बेस 10 का है? लॉग बेस 10 का, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 का लॉग टेबल है आपके पास, ये तो लॉग बेस ई दिया, तो कैसे निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो अभी सुनो मेरी बात, समझो यहाँ पे लॉग बेस ई दिया है, लॉग बेस ई की जगह अगर लॉग बेस 5 देकर होता तो क्या करते थे, लॉग बेस 11 देके होता तो, लॉग बेस 22 देके होता तो क्या करते थे? तो एक कन्वर्जन ट्रिक सीख लो, ठीक है, मोस्टली तो लोग याद है, चलो मैं आपको बताता हूँ, लॉग बेस ई का लॉग बेस 10 अगर करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, नोट नोट लिख लो यहाँ पर, क्या नोट है, लॉग बेस ई x कोई भी वैल्यू हो सकती है, x दैट विल बी 2.303 टाइम्स लॉग बेस 10 ऑफ x, ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन, पर ये आया कहां से, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ये क्या बार बार हमेशा लॉग बेस ये याद रखोगे, नहीं, क्या याद रखना है, कन्वर्जन किस तरह से किया, पहले मैं चलो पर फिर अब हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन से किस तरह से किया, पहले मैंने फॉर्मूला सही लिखा ना, राइट, पहले हम लोग ये लोग ये देखते हैं, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे लॉग बेस 5 रहा तो क्या करोगे, लॉग बेस 52 रहा तो क्या करोगे, क्या करोगे, देखो एक प्रॉपर्टी है, log of a to the base b, क्या लिखा मैंने, log of a to the base b that will be written as log of a to the base, हमारी मर्जी का कुछ भी डाल सकते हैं, मैं x लिखता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय log बेस log, अब देखो जो बेस था ना वो पावर बन जाता है, मतलब वैल्यू बन जाती है, और यहां पर जो बेस है ना हमारी मर्जी से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने x लिखा ना, y भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल log बेस, ठीक है, e ही लेता हूँ, e 12, राइट, अब इसको किस तरह करेंगे बताओ, आंसर बताओ इसका फॉर्मूला लगाकर, बेस मतलब, चलो बेस में बताऊंगा, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे जो x है ना, x की जगह पे 10 ले लेना, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 अपना बेस ले सकते हैं, 10 ले लेना, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या, log 12 बेस 10, log 12 टू द बेस 10, अब log e टू द बेस 10, तो क्या ये चीज अभी log से फाइंड कर सकते हो, क्या आप log बेस 10 12 फाइंड कर सकते हो, हाँ log टेबल से, क्या आप log बेस 10 e फाइंड कर सकते हो क्या आप log टेबल से log बेस 10 क्यों नहीं फाइंड कर सकते, एक बात ध्यान में रखो, देखो सुनो, e जो होता है ना, e की वैल्यू होती है, दिस एक्सपोनेंशियल, e की वैल्यू जो होती है 2.7 समथिंग, ठीक है, एग्जैक्ट आप थोड़ा गूगल कर लेना, मैं आपको अप्रॉक्स होता तो 2.71 होगा वो, ठीक है, 2.71 ये वैल्यू होगी, अब मुझको बताओ क्या आप लोग log ऑफ, अब बताओ क्या यहाँ पे मैं अगर 2.71 ये वैल्यू डालू तो क्या आप अभी फाइंड कर सकते हो, हाँ, चलो फाइंड करके हाँ. बताओ, चलो फाइंड करके बताओ, लॉग टेबल खोलो और 2.71 जल्दी से फाइंड करके बताओ,
0.4 समथिंग आनी चाहिए, 0.4330. ओके और एक बात सुनो, यहाँ पे 12 की जगह ना 3 लिखता हूँ तो अच्छा सेंस बनेगा। देखो 12 की जगह 3 लिखता हूँ, ये एग्जांपल नहीं बता, 3 देखो 3 लिखा मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, राइट सही बात है। 12 की जगह 3 लिखा सिर्फ, है ना, और ये ई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ई की वैल्यू क्या होती है 2.71 समथिंग, राइट। अब देखो ये वाली चीज यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ देखो log of e 3, इसको मैंने किस तरह लिखा था, log of tan 3, इसको जैसा क्या वैसा, कितना आया था वैल्यू बताओ, 0.330, ठीक है। अब अपना फोन का कैलसी लो, कैलसी लो, 1/0.4330 करो, आंसर कितना था देखो, 2 point something आना चाहिए, 2.3094 देखो 2.309 समथिंग आ रहा है, क्योंकि मैंने 0.2 एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 303 आता है, ठीक है 303 मतलब इसकी वैल्यू, इनटू क्या आ रहा है, लॉग ऑफ बेस 10 टू द पावर ऑफ 3 ले लो, ठीक है। अब देखो ना, मतलब क्या है, डायरेक्ट हमको इतना सब करने से अच्छा ये ई का कन्वर्जन याद कर लेंगे, 2.303 राइट, 2.303 हमने ये कन्वर्जन याद कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से उन्होंने अगर ये पूछ लिया होता तो, अब ऐसा मोस्टली तो होता नहीं है ट्वेल्थ में, पर देखो अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको ये वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ना, log बेस 5 का तो नहीं पता, पर log बेस 10 पता है ना, हम लोग क्या करेंगे, log 3 log 5, ठीक है, दोनों वैल्यू बन जाती है डिवाइड में आने के बाद, और हमारे पास जो टेबल है, हमारे पास 10 का टेबल है ना, तो हमारा 10 का टेबल का ये दे दो। अब हम लोग log टेबल से 5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, log टेबल से 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल करना है आप, ठीक है, तो इसका नोट बना लो, ये काफी काम की चीज है। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे अब यार, सॉरी ये log बेस 10 हो जाएगा ना, सॉरी मैंने गलती सुना इसको, अच्छा ये e ही है। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा वर्क इज 150 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू log बेस 10 3, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने कर लिया सॉल्व, अभी इसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेंगे कुछ ना कुछ, और पता है टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे 150 इंटू आप लोग जो इजीली कर सकते हो 150 इंटू ये आसानी से कर सकते हो, तो ये एक वैल्यू मिल जाएगा राइट, इंटू 2.303 इन दोनों को भी अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली, इसका लॉग वैल्यू, इसका लॉग वैल्यू, इसका लॉग वैल्यू, इसका अलग अलग लॉग वैल्यू निकालो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करने के बाद फिर एंटी लॉग निकालो, इतना समय अगर दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, या फिर लॉग से करना हो लॉग करो, आप जिसमें आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप वो इस्तेमाल करना इसमें, है ना। मुझे ऐसा लगता है लॉग करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर प्लस माइनस में करने में शायद रॉन्ग हो सकता है, तो मल्टीप्लीकेशन करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लीकेशन करना इसका, अगर हम लोग ऑफलाइन में हो तो प्रैक्टिकली करके दिखा देते मल्टीप्लीकेशन, हमारी जो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है ना उससे, चलो ठीक है 1.30 समथिंग आंसर आता है, 1.370 किलो जूल ये आंसर आता है, ठीक है। वर्क मिल गया। अभी हमको वर्क मिल गया इस फॉर्मूले से, उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड इक्वेशन ये पूछा है,
हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस. मुझे बताओ ये फॉर्म देखो, वर्क मिल गया आइसोथर्मल में, वर्क ही तो हीट होता है, तो जितना वर्क मिला सेम चीज होंगी हीट, मतलब डी क्यू क्या हो जाएगा 1.370 किलो जूल. चलो ऑप्शन सेकेंड वाले का भी आंसर मिल गया हमको, राइट. लास्ट में क्या पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन. अब पॉजिटिव साइन, हमारा वर्क पॉजिटिव क्यों आया, इसका सिग्निफिकेंस हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बताओ किस तरह फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. पहले वॉल्यूम 2 लीटर था, फिर 6 लीटर हो गया, है ना. इसका मतलब एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव. सिंपल सी बात है ना. तो उन्होंने पूछा है सिग्निफिकेंस बताओ, वर्क पॉजिटिव क्यों आया. वर्क पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब होता है एक्सपांशन प्रोसेस. ठीक है, एक्सपांशन प्रोसेस है इसलिए वर्क हमारा पॉजिटिव है. ओके, इस तरह से आपको अगर थ्योरी में भी पूछते तो लिखना है. उन्होंने नहीं लिखा, लिखा ही. द पॉजिटिव साइन ऑफ द हीट इंडिकेट दैट हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस. आल्सो पॉजिटिव साइन ऑफ वर्क इंडिकेट्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ठीक है, वर्क और एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम. वर्क डन बाय सिस्टम, पॉजिटिव हीट मतलब हीट गेन करना. ओके, यहाँ तक काफी था. क्वेश्चन नंबर 82 देखो अभी. चलो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो तो बना लो. तो क्वेश्चन नंबर 82. 1 mole ऑफ ideal gas initially kept in cylinder with movable frictionless and massless piston at pressure and temperature. If it expands till the volume double, how much work is done? Process कौन सी है? Question number 80. Question number 82 में process कौन सी है? बता जल्दी से. Process कौन सी है? Which process? Isobaric process, right? Isobaric, ठीक है. Isobaric process में क्या चीज constant होती है? Pressure constant, right? Pressure constant. मतलब इसके अंदर हमको heat का भी formula है, work का भी formula है ना? अब उसमें से देखो क्या पूछा है. उसमें से उन्होंने पूछा है कि how much work done if the expansion. अब work done का formula क्या होता है? Work done is equals to T into dV, right? T into V final minus V initial. अब प्रेशर ले लो, मैं अभी इसको ना डिराइव करता हूँ. अरे फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है? फाइनल वॉल्यूम इज डबल, मतलब टू टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट. मतलब उसको P into initial volume मिल जाएगा, work done. क्या उन्होंने initial volume की value दी है? नहीं, ठीक है. और सिर्फ उन्होंने pressure की value बताया है, temperature की value बताया है. तो initial volume की value नहीं दी है, तो PV is equal to nRT, ये concept use करो. तो volume क्या हो जाएगा? Volume is nRT divided by P. चलो put करो यहाँ पर P into nRT divided by P. PP get cancelled, क्या बच रहा है? Number of moles into R into T. ठीक है, सिर्फ nRT बच रहा है, right? अब देखो ना इसको क्या करेंगे. n की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, n की वैल्यू 1 दी है, r की वैल्यू हमको पता होता है 8.314, राइट. और t जो होता है टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस बोला है, उसको हम लोग 300 केल्विन लिख सकते हैं. हम लोग इजीली 300 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना. क्या आंसर है हमारा? 2.5 किलो जूल्स. इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86 इसके लिए लगने वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86 में लगने वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलो बारी बारी बताओ, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर कौन सी प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर प्रोसेस कौन सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 आप, क्वेश्चन नंबर 85 देखो उसके अंदर प्रोसेस है। हाँ क्वेश्चन नंबर 85 देखो कौन सी प्रोसेस है बताओ। 85 एडियाबेटिक। क्वेश्चन नंबर 86 देखो कौन सी है बताओ, प्रोसेस कौन सी है। एडियाबेटिक। हाउ लिखा तो नहीं है एडियाबेटिक वहां पर, वहां पे एडियाबेटिक थोड़ी ना लिखा है, फिर कैसे पता चला आपको। क्वेश्चन नंबर 86 है गैस कंप्रेस्ड हो रही है शॉर्ट टाइम में। हाँ वर्ड है शॉर्ट टाइम। देखो सारी प्रोसेस स्लो है, बस एक ही प्रोसेस ऐसी है जो सडन होती है, वो है एडियाबेटिक। क्यों सडन क्यों होती है एडियाबेटिक, सडन प्रोसेस क्यों होती है, क्या रीजन बताया था मैंने सीधा सडन के लिए, बताओ सडन क्यों होती है एडियाबेटिक। याद करो सडन क्यों होती है, मैंने क्यों बताया, क्या बताया था, मैंने लिखा था आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस इज सडन प्रोसेस। व्हाई रीजन, रीजन रीजन इज सडन होने का रीजन ये है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट आना जाना नहीं करेगी, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, इस तरह की प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस अगर मुझको करना है तो दो तरीके मैंने बताया था, एक तो इंसुलेट कर दो, इंसुलेट करने के बाद क्या होगा हीट आएगी भी नहीं जाएगी भी, या फिर प्रोसेस इतना फास्ट करो, इतना फास्ट करो, इतना फास्ट करो, इतने कम समय में करो प्रोसेस के, इतना फास्ट करने की वजह से उसको ही वक्त ना मिले कि हीट वो ट्रांसफर करे, राइट। हीट ट्रांसफर करने के लिए भी समय लगता है ना, हीट ट्रांसफर करने के लिए टेम्परेचर रेंज जरूरी होता है, तो वो उससे भी फास्ट करो, हीट ट्रांसफर से भी अगर मैंने प्रोसेस को फास्ट कर दिया तो क्या मेरा हीट ट्रांसफर होगा, हीट को आने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, जितने समय तक हीट आएंगी उतने समय तक मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी, राइट। इसलिए सडन प्रोसेस को, फास्ट प्रोसेस को, या फिर प्रोसेस इन शॉर्ट टाइम ऐसा कहा जाता है, तो डायरेक्टली पहचान लो कि भाई ये प्रोसेस हमारी एडियाबेटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84, 85 और 86 ये तीनों भी एडियाबेटिक प्रोसेस, इस पर आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोलता है, 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 2V एंड टेम्परेचर इतना एंड एक्सपेंड वॉल्यूम इतना। देखो क्वेश्चन नंबर 84 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 84 मेरा इंक खत्म हो गया, चलो मैं आपको ओरली बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में देखो, क्वेश्चन नंबर 84 में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कनेक्शन बताया कुछ ना कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कनेक्शन बताया कुछ ना कुछ, और क्वेश्चन नंबर 86 में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कनेक्शन बताया। तो क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू सी, ये है एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन हमारे पास, राइट। तो इस इक्वेशन को यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके मैंने आपको थ्योरी भी लिखाया, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, उन तीनों का ही यूज किया है। तो एडियाबेटिक के सवाल जब भी पूछेंगे तो सबसे पहले अपने को वर्डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, P2V2 - P1V1 - γ1 - γ, राइट। इस तरह का ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये तीनों कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए,
ठीक है, एडियाबेटिक जैसे ही दिखता है तो आप अपने दिमाग में ये चार पांच फॉर्मूले क्लिक हो चुके हैं, तो हमको बस पहचानना है ना, पहचानना है। तो ये जो तीन फॉर्मूले है तो जनरली वो कंपेरिजन में बात करते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा एडियाबेटिक में तो प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है और प्रेशर P1 है तो P2 क्या होगा, इस तरह का सवाल है ना, रिलेट करेंगे टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर। तो ये सारी बातें आपको एक बार रिवाइज करनी है, सिंपल है, अगर डाउट आता है तो पूछो, राइट। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग। वी आर सो हेल्पलेस कि हमारा अभी जो मार्कर है उसकी इंक खत्म हो चुकी है, हमारे पास रिफिल नहीं है, हमारे पास रिफिल नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखो अभी आप। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 87 में कौन सी प्रोसेस है ये बताओ। अच्छा, और क्या क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 87 में? फाइनल प्रेशर पूछा है, वर्क डन निकालने को पूछा है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब आप मुझको वर्क, एडियाबेटिक जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ, इन टर्म्स ऑफ 2-1, है ना, पीएफ वो सब नहीं, 2-1 केस में बताओ वर्क डन का फॉर्मूला फॉर एडियाबेटिक, बताओ जल्दी से। बताओ P2V2 माइनस क्या होगा, P2V2 नहीं, 1/1 माइनस गामा इन ब्रैकेट P2V2 माइनस P1V1। वेरी गुड, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो जरूरत किस चीज की है, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये चार चीजों की जरूरत है, राइट। और डिनोमिनेटर में देखो गामा की जरूरत है, ठीक है, तो क्या क्या चीजों की जरूरत है, हमारा वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है क्या नहीं। देखो गिवन में देखो गामा तो ऑलरेडी देकर है, बचा क्या, P2V2 माइनस P1V1, राइट। अब वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम देकर है क्या, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी देकर है, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था और फाइनल वॉल्यूम जो है 115th हो गया उसका, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी देकर है, ठीक है। प्रेशर दे करेगी इनिशियल और फाइनल, प्रेशर दे करेगा, देखो फाइनल प्रेशर नहीं दे कर, इसलिए फाइनल प्रेशर हमको वर्क डन फाइंड करने के लिए हमको क्या जरूरी है, वर्क डन फाइंड करने के लिए अभी हमको फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा, राइट। वर्क डन फाइंड करने के लिए हमको फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा और उसी को उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन बना दिया, उसी को उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन बना दिया कि भाई सबसे पहले फाइनल प्रेशर निकालो, है क्या नहीं, हमको निकालना क्या है, वर्क डन, उसके लिए जरूरत क्या पड़ रही है, फाइनल प्रेशर की, और उसी को उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला उन्होंने, फाइनल प्रेशर निकालो। फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, प्रेशर निकालना है, कुछ भी निकालना है तो रिलेशन देखने का सबसे पहले, फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल जो भी निकालना है रिलेशन देखने का सबसे पहले। रिलेशन क्या है, प्रेशर वॉल्यूम देकर है, प्रेशर देकर है, वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन देखो एडियाबेटिक का कौन सा है, पीवी रेस्टू गामा, राइट। इसी जगह पर अगर वो टेम्परेचर अपने को फाइनल टेम्परेचर निकालने बोलता था, यही सेम क्वेश्चन में अगर फाइनल टेम्परेचर निकालने बोलता था तो हमको चेंज वॉल्यूम कितना बदल रहा है, V2 V1 ये पता है, राइट। अब उसी हेल्प से हम लोग वाला यूज करते थे, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है, पीवी रेस टू गामा माइनस, राइट। तो ये सारी चीज आपको याद करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो यहां से देखो फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया और हमको जरूरत कहाँ थी, वर्क निकालने में फाइनल वॉल्यूम की जरूरत थी, वहां पुट कर देंगे वर्क मिल जाएगा, फाइनल वॉल्यूम भी मिल गया, वर्क भी मिल गया, राइट। और क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर, देखो फाइनल टेम्परेचर पूछा है, फाइनल टेम्परेचर फिर से देखो रिलेशन, फाइनल टेम्परेचर देखो यार, चेंज इन वॉल्यूम बोला उन्होंने, चेंज इन वॉल्यूम बोला, हमारे पास रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो उन सब का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो 84, 85, 86 में किया ना,
उसी तरह का कुछ यहाँ पे करना है फाइनल वॉल्यूम निकालने के, तो उसका यूज करेंगे हम लोग। तो फाइनल टेम्परेचर भी मिल गया, फाइनल प्रेशर भी मिल गया, वर्क डन भी मिल गया। ये होने के बाद नेक्स्ट इज फोर्थ वर्क, उसके बाद वाला जो है क्या बोला है, हाउ द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक कंप्रेशन, हाउ वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन इज मोर देन द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन में अगर कंपेरिजन करे तो एडियाबेटिक कंप्रेशन का वर्क ज्यादा क्यों है ये पूछा है, उसका मैंने रीजन आपको लिखा के दिया है क्यों है। कैन यू एक्सप्लेन दिस? हाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये अपन जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो उसमें दोनों का वर्क निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, अगर उन्होंने फोर्थ वाले इसमें क्या बोला है कि भाई फोर्थ वाले इसमें क्या बोला है कि अगर सेम प्रोसेस अगर आइसोथर्मल हो तो उसका वर्क निकालो, तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूले से वर्क निकालना है, दोनों के वर्क कंपेयर करना है और 100% कंप्रेशन में एडियाबेटिक का वर्क ग्रेटर देन आइसोथर्मल आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन मैंने आपको लिखवाया है, वो एक बार रिवाइज करो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 87 में आपको होमवर्क देता हूँ, इसको अच्छे से लिखो समझो राइट। अच्छे से कहाँ तक लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क निकाल के बताना है राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको अच्छे से होमवर्क करो और हमारे ग्रुप पर सेंड करो ठीक है। मैं आपको बहुत कम होमवर्क देता हूँ, मैं आप पर लोड भी नहीं डालता हूँ, सब मैं यहाँ पे करवा के लेता हूँ। तो मैं आपसे होप कर रहा हूँ एटलीस्ट आप सबने ये क्वेश्चन करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको जो होमवर्क किया था उसमें से 50% बच्चों ने नहीं किया था, मुझे पता है। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से आज शाम तक होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप पर भेज दो। मैं लेक्चर खत्म करता हूँ ठीक है। हम लोग इसको क्वेश्चन को लेते थे पर हमारा क्या है रिफिल खत्म हो चुका है, रिफिल हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम भी लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय ऑल ऑफ बाय।